अभी तक यहाँ पे 6 बॉडी जला चुके हैं, 6 बॉडी अपने गांव से 6 बॉडी। हाँ। जब जलाया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हैं डायरेक्ट इंडियन चैनल। और अभी हम हैं मरकरनिका घाट पे और यह बनारस में पड़ता है। और हमारे सामने देख सकते हैं ये पूरा लाश की एकदम, जब से यहाँ पे सुने हैं कि जब से यहाँ आग जलना चालू हुआ है उसके बाद आज तक बंद नहीं हुआ है। हर वक्त यहाँ पे आग एक न एक बॉडी जलते रहती है। यहाँ अगर दाह संस्कार किया जाता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो चलिए, अभी हम एक है यहीं के भाई जो ये भी एक बॉडी जलाने के लिए आए हुए हैं, तो इनसे हम पता करते हैं। और इनका घर यहीं पर है। तो भैया आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह नाम है जी। सौरभ सिन्हा सिंह सौरभ सिंह जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे यहाँ के बारे में जानते हैं? जी सर, हम बॉडी जलाने आए हैं। हम अभी तक यहाँ पे 6 बॉडी जला चुके हैं। 6 बॉडी अपने गांव से 6 बॉडी। हाँ। 3 आज ही लाए? नहीं आज नहीं, अभी पहले तक। हाँ अभी तक। अच्छा, अभी तक एक साल में 6 बॉडी लाए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर बॉडी लाता है, जलाता है आदमी, तो मतलब कुछ होगा ना, जबकि इतना दूर दूर से आदमी आता है तो कुछ तो बात होगा। भगवान श्री भोलेनाथ जी का ये एक स्थान है। अच्छा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, गढ़ हम लोगों गांव के भाषा में गढ़ बोलते हैं। तो ये भगवान शिव का जो है स्थान है। हाँ। जी, यहाँ पे बॉडी जलाने से यहाँ पे आत्मा को शांति, अच्छा, जल्दी प्राप्त होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा की शांति मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे हर वक्त लाश जलते रहता है। जी जी, लाश हर समय जलते रहता है। सुनने में आया है कि यहाँ पे जब से आग लगी है और यहाँ पे जलना चालू हुआ है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ? नहीं सर, आज तक तो कभी नहीं हुआ आज है। तक कभी बंद नहीं हुआ। बारिश हम अपने आँख से देखे हैं, बारिश हो रही थी। हाँ। और हमारे दादाजी की लाश सामने हमारे जल रही थी बारिश में भी। तो समझ सकते हैं यहाँ पे आता है, इतना दूर दूर से लोग क्यों आता है, समझ जाइए कि क्योंकि श्रद्धा है और भक्ति है। और यह एक बनारस पावन धरती है भगवान शिव शंकर का। तो और कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? अरे, आपके सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे कि आइए भैया बनारस, आइए के यहाँ के जो है बनारसी पान खा। हाँ हाँ, एकदम देसी स्टाइल में आइए के बनारसी पान। हम भी आए तो बनारसी पान खाए हैं। खाएं, अच्छा था। ठीक है, आइए भैया बनारस आइए यार। हाँ। अच्छा जगह हो गया बनारस, अब घूमने लायक पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। और कुछ बताना चाहेंगे अभी? धन्यवाद सर। तो भैया को जो जानकारी था उन्होंने बताया, अब थोड़ा इधर आइए, हम अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यही वो जगह है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अपनी लाश को, डेड बॉडी को लेकर के आते हैं। और यहाँ पे जब जलाया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे दिन रात जलते रहता है बॉडी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप गिनिए कि कितना बॉडी जल रहा है। 3, 2, 5, 6 बॉडी नीचे जल रही है और ऊपर में भी 6 बॉडी जल रही है। और चारों तरफ से एकदम आप देख सकते हैं, उधर में आप देख सकते हैं लकड़ी भी रखा हुआ है, आम का जो लकड़ी है सब रखा हुआ है। और इधर में डेड बॉडी भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो चारों तरफ और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। और इधर में आप देख सकते हैं, इधर में पूरा बनारस में जो मंदिर है और भी घाट का, इधर से आपको नज़ारा दिख जाता है। कुछ ऐसा है बनारस का नज़ारा। और आपको दिखा दे कि उधर में अगर आप आइएगा तो उधर, अगर उस साइड जाइएगा तो आपको रेत एक तरह से रेगिस्तान की तरह है, पूरा बालू ही बालू है। उस पे उस साइड में अगर जाइएगा तो आप ऊँट पे घूम सकते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर बनारस घूमने आना है तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।